अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। उम्मीद का सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल सामने मौजूद है इब्राहिम मस्जिद के, और अभी मैं इधर आया हूँ आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ इसके बारे में। थोड़ा बहुत जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो आपको बताएंगे, और क्योंकि एडमिशन्स वगैरह करीब आ गए हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अब दोबारा से इसको सीरीज़ को रिज्यूम किया जाए। और आप लोगों के क्योंकि कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के ऊपर व्लॉग बनाएं, तो हम आ गए हैं सबसे पहले इसी डिपार्टमेंट का व्लॉग बनाने। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर, कैसे कैसा डिपार्टमेंट है। तो गाइज़, हमने शॉर्ट्स ले लिए इनके डिपार्टमेंट के, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अभी चलते हैं इनके डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर से जाके देखते हैं। वैसे इनका डिपार्टमेंट भी काफ़ी सही है और ग्रीनरी बहुत है बाहर, मतलब कि जो पौधे वगैरह लगे हुए हैं ये। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं, ऊपर से हम एक्सप्लोर करते हैं, किसी स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करें। यार बेसिकली इनके ग्राउंड फ्लोर पे ना ज़्यादातर क्लासेज हैं और कुछ चंद एक ऑफिसेज हैं, उससे ज़्यादा वरना जो एडमिन ऑफिसेज वगैरह हैं वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में ऊपर हैं। तो ऊपर चल के हम देखते हैं। भाई इस साइड पे इनकी मतलब कि कुछ क्लासेस हैं और कुछ टीचर्स के ऑफिसेज वगैरह भी हैं। अच्छा, आज का दिन मतलब कि एक सीनियर से बात करने के बाद पता चला है कि असल में क्योंकि जुम्मा है तो माशाल्लाह बड़ा मुबारक दिन है, लेकिन स्टूडेंट्स कम आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए थोड़ी वीरानी नज़र आ रही है। और बाकी अगर डिपार्टमेंट को देखें तो ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी रश था, तो अभी देखते हैं इसको। आगे क्लासेस चल रही हैं तो मैं आगे नहीं जा रहा, अभी हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे, वहाँ से मतलब कि डिपार्टमेंट का बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, इस साइड पे भी असल में ना कोई एक दो क्लासरूम्स वगैरह ओपन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज स्टूडेंट्स कम है मेरे ख्याल में सिर्फ इसी वजह से। और दूसरा ये कि इनके क्लासेस वगैरह बहुत बड़े हैं भाई, बिल्कुल हॉल की तरह हैं। बाय से ये देखिए, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, बड़ी प्यारे व्यू आ रहे हैं। तो भाई अभी मैं ठहरा हूँ कि क्लासरूम में, आपको एक व्यू देता हूँ कि क्लासेस वगैरह इनकी ऑलमोस्ट तकरीबन ऐसी ही हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो भाई अभी हमारे साथ दो भाई मौजूद हैं, इनसे मतलब कि इनके डिपार्टमेंट के बारे में और जो कोर्सेज वगैरह कराए जाते हैं और उनके फ्यूचर के बारे में मतलब कि स्कोप के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो भाई अपना नाम बताएं।
जी मेरा नाम फैज़ मोहम्मद है। मेरा नाम अब्दुल बारी है। अच्छा भाई, आप कौन कौन सा मतलब कि डिग्री कर रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं यहाँ पे? हम दोनों यानी कि जो हम जो डिग्री कर रहे हैं वो असल में बीएससी की डिग्री है। सही। बीएससी ऑनर्स की है मैथमेटिक्स। और अभी जो इस ईयर से यानी कि हमारा जो साल है वो आखिरी साल है जिसमें KU बीएससी की डिग्री फराहम करना है, वरना इसके बाद जो सारी डिग्री हमारे बाद आ रहे हैं वो सब बीएस के, यानी वो 4 साल का प्रोग्राम होगा। अच्छा, मतलब आपका लास्ट ईयर है जो आप लास्ट ही होंगे जिसको बीएससी की, हम इसके बाद 1 साल पढ़ के मास्टर्स कर लेंगे। हमें 2 डिग्रियाँ मिलती है जब हम यहाँ फारिग होते हैं। सही सही सही। और कौन से मतलब कि यहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं यहाँ पे? कंप्यूटेशनल है, फाइनेंशियल है, उसके अलावा सिंपल मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। सही सही। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उसका मतलब कि ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास स्कोप क्या है, कहाँ कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं? यार स्कोप तो बहुत सी जगहों पे है। एक तो ये है कि मैथ्स की एप्लीकेशन अभी जो रिसेंट वर्ल्ड है हर जगह पे है। सही। और मैथ्स में एक तो ये है कि हम मोस्टली ये टेबू बनाया जाता है कि मैथ्स जब पढ़ते हो तो सिर्फ लेक्चरर या कि टीचर बनना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो चीज़ यानी कि आगे जारी हुई डेटा साइंस यानी कि डेटा इंजीनियरिंग, वो सब मैथ्स की एप्लीकेशन है, यानी कि लीनियर रिग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा, इन सब की एप्लीकेशन ही वहाँ पे जाके फिट होती है। यानी कि आपकी जो डेटा इंजीनियरिंग है अभी जो सारी, ये सब मैथ्स पे ही फिट है। यानी फॉर एग्जांपल ये जो अल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, अब यूट्यूब पे जिस तरह के वीडियो देखो आपको उसी तरह के वीडियो रिकमेंड हो। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के पीछे जो मैथमेटिकल एक मॉडल बनाया जाता है तो उनके बेस पे ये सब चीज़ें हो रही होती है। और अभी जो रिसेंटली आया चैट जीपीटी एक असल में मैथमेटिकल मॉडल, बस उसको प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड किया गया। सही। उसका सर्वर इंटरनेट पे है और वहाँ से अभी तो चैट जीपीटी 4 आया, लेकिन चैट जीपीटी 3 तो सही है एक हद तक, बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि मैथ्स ही ने उसको बनाया तो वहाँ पर वो सॉफ्ट कर लिया। सही सही सही। अच्छा, आपको एडमिशन्स वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन है कि मतलब कि कब से स्टार्ट होंगे यहाँ पे? हाँ जी, तकरीबन अभी अगले महीने से नवंबर के लास्ट में KU के एडमिशन आते हैं। सही। पहले तो ओपन मेरिट के आते हैं। सही सही। और उसके बाद रिजर्व सीट्स के भी आते हैं, और जब मॉर्निंग के एडमिशन थे, मॉर्निंग के बाद इवनिंग के आते हैं तकरीबन दिसंबर के लास्ट में, हर साल ऐसे ही होता है। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जज़ाकअल्लाह। तो भाई व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिपार्टमेंट में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और यार जो आपने प्यार दिया है UBIT वाले व्लॉग को, थैंक्स फॉर दिस। और मैं आपका मतलब कि यकीन करें मुझे बहुत ही बूस्ट मिला है उस वीडियो को देख के जो आपने मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो 1K पर पहुँच गई है। तो इस वीडियो को भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।